Press the subscribe button. Press the bell icon. You will receive all the notifications. आज हम बनाएंगे पालक पूरी, और ये पूरी बहुत ही टेस्टी लगती है। इसे आप किसी भी सब्जी के साथ या किसी भी ओकेशन में बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए नमक स्वाद अनुसार, अजवाइन आधा चम्मच, एक हरी मिर्ची कटी हुई, हींग थोड़ी सी एक चौथाई चम्मच, दो चम्मच तेल, आटा 2 कप, एक बंच पालक, ये धुला हुआ पालक है, एक ब्लेंडर में हम हरी मिर्ची डालेंगे, वॉश्ड पालक डालेंगे, इसकी प्यूरी बना लेंगे। ये हमने पालक की प्यूरी बना ली है। अब हम आटा लगाएंगे। आटा लगाने के लिए हम इसमें 2 कप आटे में 1/4 कप तेल डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार, हींग 1/4 चम्मच, अजवाइन आधा चम्मच, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम धीरे धीरे करके पालक की प्यूरी ऐड करेंगे। ये देखिए हमारा आटा बनके रेडी है। इसमें हमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर फिर भी अगर आपको लगे कि पानी की ज़रूरत है, तो आप इसमें ज़रूरत के हिसाब से पानी मिला सकते हैं। हमारा आटा रेडी है। अब हम पूड़ियाँ बेलेंगे। इसके लिए छोटी सी लोई लेंगे, और उससे हम पूड़ियाँ बेलेंगे। ये हमने पूड़ियाँ बना के तैयार करी हैं। अब हम एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे, और उसमें धीरे धीरे करके बिली हुई पूड़ियाँ डालेंगे, और इन्हें करछी की सहायता से हल्का हल्का प्रेस करेंगे, जिससे हमारी पूड़ी फूले। तेल बहुत गर्म होता है, इसलिए आप इसे बहुत केयरफुली करें। ये देखिए हमारी पूड़ियाँ कितनी अच्छी लग रही है। इसी तरीके से हम सारी पूड़ियाँ बेल के तैयार कर लेंगे, और इन्हें फ्राई कर लेंगे। इसी तरीके से हम सारी पूड़ियाँ फ्राई करेंगे। हमारी पालक पूड़ियाँ बनके रेडी हैं। आप इसे अचार के साथ, किसी भी सब्जी के साथ बना के खाइए, ये बहुत अच्छी लगती है। इसे ट्राई करके देखिए, और अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में शेयर करें। देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा बना आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।